नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक चोपड़ा, आप देख रहे हैं सिटी हलचल। पंजाब के उड़मड़ टांडा में दो दर्जन के करीब गऊओं के सिर कलम कर हत्या कर देने और गढ़शंकर के गांव पदराना में शमशान घाट में लगी भगवान शिव की मूर्ति से तोड़फोड़ करने के मामले को लेकर शिवसेना बाल ठाकरे की नंगल इकाई ने इकाई के अध्यक्ष मुकेश बाबा के नेतृत्व में जोरदार रोष प्रदर्शन करते हुए इन घटनाओं के आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग उठाई। नंगल की मेन मार्केट के निकट नंगल भाखड़ा मुख्य मार्ग पर रोष प्रदर्शन करते शिवसेना नेता मुकेश बाबा और श्याम सुंदर ने कहा कि कुछ शरारती तत्व पंजाब में सरकार बदलते ही हिंदू समुदाय की भावना को भड़काने में लगे हुए हैं और इस तरह की कार्रवाइयों को अंजाम दे रहे हैं ताकि पंजाब का माहौल खराब हो सके। शिवसेना नेताओं ने कहा कि अगर सरकार ने इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस कार्रवाई ना की तो शिवसेना संघर्ष को और तेज करने को मजबूर होगी, जिसकी जिम्मेदारी पंजाब सरकार पर होगी। पहले सुने क्या बोले शिवसेना नेता मुकेश बाबा सिटी हलचल से बात करते हुए। अज का जिहड़ा ये असी प्रदर्शन कर रहे हैं, रोज प्रदर्शन कर रहे हैं, ये जिहड़ा टांडे विच गऊ हत्या की गई है, 25 तो 30 के करीब गऊ जी उत्थे हत्या की गई, असी उन्हां दोषियों नूं सरकार अगे मंग करदे कि उन्हां दोषियों नूं वध तो वध जिहड़ी फांसी दित्ती जावे। बस सिर्फ फांसी करो उन्हां नूं, और जिहड़े सत्त फड़े गए हैं उन्हां तों पुछगिछ करके जिहड़े होर बाकी भी हैगे आ उन्हां नूं भी फांसी सजा दित्ती जावे। और मैं सेंटर गवर्नमेंट अगे मंग करदा हाँ कि जिहड़ी अपना गऊ माता है उन्होंने राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और कानून बनाया जाए, जिहड़ा भी गऊ हत्या करता है उन्होंने सिर्फ फांसी सजा का ही कानून बनाया जाए। जय श्री राम। इस मौके पर क्या बोले शिवसेना नेता श्याम सुंदर सिटी हलचल से बात करते, जय भी सुने। जिहड़ा अज का प्रदर्शन है ये पूरे पंजाब दे विच कुछ शरारती तत्वों ने जिहड़ी गऊ हत्या का एक षडयंत्र नवा रचाया। हले सरकार बड़ी नूं 4 दिन नहीं होए, असी सरकार नूं दोषी नहीं समझते, लेकिन कुछ सरकारी कुछ शरारती तबके जड़े है उन्होंने पूरे पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की है। मैं सरकार नू, मैं पंजाब सरकार नू और सेंटर सरकार नू बेनती करदा हाँ कि इन्हां नू पकड़ के ऐसी सज़ा दी जाए कि वो फांसी दे कट सज़ा नहीं होनी चाहिए। तो कुछ 7 लोग सानू पता लग्या कि सरकार ने पकड़े हैं, तो उस सरकार नू पुछ उस दोषियों पुछगिछ करके होर भी जिहड़े दोषी है उन्होंने सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और साड़ी जिहड़ी बाला साहब ठाकरे पंजाब इकाई शिवसेना इस सरकार का पूरा समर्थन करेगी। अगर ये कुछ ही दिनों के जिहड़े दोषी है उन्होंने पकड़िया जाए और उसके बाद सानू हुण थोड़ी देर पहले पता लग्या कि गढ़शंकर दे कोल भी शिव मूर्ति नूं भी किसी ने कुछ खंडित किया है, तो जिहड़ा भी ये माहौल बिगाड़ रहे हैं। तो मैं फिर बेनती करा पंजाब सरकार नू, पंजाब दे प्रशासन नू कि इन्हां दे उपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और शहर दे विच लखां रुपये करोड़ों रुपये खर्च के इन्होंने सीसी कैमरे लगाया है, वह क्यों नहीं चालू करते, उन्होंने चालू करन और ये दोषियों नू पकड़न और पकड़ने के बाद सख्त 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 कार्रवाई की जाए। जय कर वीर बजरंगी, हर हर महादेव। उधर शिवसेना पंजाब के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील गनोली ने भी इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए क्या कहा, जे भी सुने। जय श्री राम। बड़े दुख की गल है, पंजाब दे विच जब तो सरकार बदली है कदी साड़ी गऊ माता की हत्या की जा रही है। पहला हुशियारपुर दे विच टांडे दे विच 20-25 गावां दे सिर वरते, उस तो बाद जलंधर दे विच हूँ साढ़े हुशियारपुर के गढ़शंकर के पिंड पंद्रा विच शिवजी भोलेनाथ जी के मंदिर के भगवान शंकर की मूर्ति को खंडित किया गया। ये जड़िया दिन प्रतिदिन बेअदबियां वधदियां जा रही, बड़ा चिंता का विषय है। मैं शिवसेना पंजाब वालों अपील करता हाँ जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, DGP साहब को, बे ये गलत अंसरां नू तुरंत नत्थ पाई जाए, पंजाब का माहौल खराब ना किया जाए। बड़े दुख की गल है बे ज्यों ज्यों पंजाब का माहौल वधिया हुंदा जा रहा गलत अंसर गलत हरकतां कर रहे हैं, इन्हां नू हुणे नत्थ पाई जाए। असी शिवसेना पंजाब वल्लों एक हिंदू संगठनां की मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग दे विच असी भी समाज नू सचेत कर रहे हैं वी इहे लोग जिहड़े पंजाब का माहौल खराब करते हैं उन्हां नू नत्थ पाउण वास्ते उपराले कीते अते सरकार नू अते प्रशासन नू सहयोग देवे। असी इस संबंध च जल्द ही एक मीटिंग बुलावांगे। सिटी हलचल के लिए नंगल से करण चोपड़ा की रिपोर्ट।
अजोली मार्केट में खुल गई है चश्मों की नई दुकान वशिष्ठ ऑप्टिकल। यहां आपको मिलेंगे हर तरह के ब्रांडेड चश्मे, वो भी बाजार से काफी कम दाम पर। नजर के चश्मे लगवाने वालों की नजर पहले अति आधुनिक मशीनों से निशुल्क जांच करने के उपरांत ऑटोमेटिक मशीनों से तैयार चश्मा चंद मिनटों में ही उपलब्ध करवाया जाता है, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता नोट करें, वशिष्ठ ऑप्टिकल, नंगल संतोषगढ़ मुख्य मार्ग, निकट गोल्डन पैलेस, अजोली मोड, जिला उन्ना। हमारा फोन नंबर 99155 84190।